हाय, वेलकम टू पावर ऑफ अनबॉक्सिंग। सो आज फिर मैं एक नए प्रोडक्ट के साथ आया हूँ। तो आज हम एक रिव्यू करने वाले हैं एक स्मार्टफोन का, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। आज ही डिलीवर हुआ है, अमेज़ॉन पे सेल थी। तो ये है एक स्मार्टफोन जिसका मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो चलिए देखते हैं इसको खोल के। तो इसको हमने बॉक्स को बाहर निकाल लिया है, बिल्कुल सील्ड बॉक्स है इस वक्त। सो ये है सैमसंग गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन। तो जैसे कि मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, अच्छा लगा काफ़ी देख के, तो मैंने सोचा मंगा लिया जाए। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। मैं पहले अनबॉक्सिंग से पहले हम देख लेते हैं इस बॉक्स के ऊपर क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम इस बॉक्स को खोलेंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए, अभी तक खोला ही नहीं है मैंने फ़ोन। तो सबसे पहले सामने की तरफ गैलेक्सी M32 इसका मॉडल दिया हुआ है। पीछे की तरफ इसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, जो कि हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 6000 mAh बैटरी, 15 वॉट इनबॉक्स चार्जर भी है। अच्छा, इसमें AMOLED स्क्रीन है 16.21 सेंटीमीटर जो है इसकी स्क्रीन का साइज़ है। और अच्छा, और भी इसके कैमरे के बारे में भी लिखा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें चार कैमरे हैं, तो सबसे प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, फिर 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल अगेन। सो और जो फ्रंट कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का। तो काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन लग रही है फ़ोन की। तो मैंने फ़ोन की पैकिंग खोल ली है, तो अब लेट्स ओपन इट एंड सी। इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर ही एक फ़ोन दिख रहा है, तो चलिए इसे निकालते हैं। पहले ब्लू कलर का मैंने मंगवाया, इसमें दो कलर अवेलेबल थे, ब्लू और ग्रे, तो मैंने ब्लू मंगवाया है। कैमरा देख सकते हैं आप, चार कैमरे इसके अंदर हैं, एक फ्लैश लाइट भी आपको दिख रही है इस तरफ। बाकी स्टिकर है जिस पे लिखा है सैमसंग मेड इन इंडिया, सबसे अच्छी बात। चलिए और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे हैं, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इधर एक चार्जर, तो पहले चार्जर निकालते हैं। सो चार्जर है जो इसके ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रही है। तो ये 15 वाट का चार्जर है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हाई स्पीड चार्जिंग कर देता है। इसके साथ एक डेटा केबल मिलती है, और बॉक्स के अंदर बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है अंदर। इसको भी निकाल के देख लेते हैं। और इसके अंदर कोई मैनुअल नहीं है, तो चलिए अब फ़ोन को ही देख लेते हैं ऑन करके। हाँ, तो फ़ोन के बॉक्स के अंदर कोई भी मैनुअल नहीं मिला इस बार हमें। नॉर्मली हमें सभी फ़ोन के साथ मिलते हैं और पहले भी मिलते रहे हैं, पर इसके अंदर कोई मैनुअल नहीं है, कोई वारंटी कार्ड नहीं है। मे बी सब कुछ आजकल डिजिटल है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। फ़ोन के पीछे मैंने अभी देखा, तो इसके अंदर फ़ोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी दी हुई है कि मुझे क्या क्या मिला है। मैंने जैसे कि ऑर्डर किया है, तो मुझे 128 GB इंटरनल मेमोरी मिली है इसके अंदर, और साथ के साथ इसके अंदर 6 GB रैम मिली है। और साथ के साथ जैसा कि मैं पीछे इसके पढ़ पा रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसमें IMEI नंबर दिए हुए हैं, सीरियल नंबर दिया हुआ है, और एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है इसके ऊपर। नोट पर लिखा है, द इंफॉर्मेशन ऑन दिस लेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, यूज़र is recommended to keep this label intact with warranty card
फॉर फ्यूचर यूज़ एंड कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन, जिसका मतलब है कि ये जो पॉलिथीन है इसको हमें इंटैक्ट रखना पड़ेगा, इसको सेफ रखना पड़ेगा वारंटी कार्ड यूज़ के लिए। मुझे नहीं पता कैसे ये काम आएगा फ्यूचर में वारंटी कार्ड के लिए, पर बिल्कुल इसको संभाल के हम बॉक्स के साथ ही रख लेंगे। और इसके ऊपर जो पन्नी है ये उतार लेते हैं। जैसे कि अब ये पॉलिथीन हमने अलग कर दिया है प्लास्टिक कवर जो था, तो अब मैं देख रहा हूँ कि इसके पीछे ये जो स्टिकर है इसके बारे में दिया है इसको कि हमें सेफ रखना है। तो इसको हम इस पे से निकाल लेते हैं धीरे से इस तरह से, और इसको हम सेफली इसी शीट के ऊपर चिपका देते हैं। तो अब इस तरह से ये हमारे पास सेफ रहेगा। ऑलराइट, सो अब इस फ़ोन को हमने देख लिया है किस तरीके का फ़ोन है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फ़ोन है देखने में। चार्जिंग केबल अवेलेबल है और चार्जर अवेलेबल, बेसिकली यही तीन चीज़ें इसके अंदर मिली हैं। तो अब ऑन करके देखते हैं इसे। इनबिल्ट बैटरी है इस फ़ोन के अंदर, तो आप बिल्कुल बैटरी निकाल नहीं सकते हैं, तो इनबिल्ट बैटरी है इसके अंदर। और हाँ, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आपके मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड दोनों लगेंगे। तो ये पिन से हम इसे खोल देंगे और सिम इसमें डाल भी देंगे। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, मुझे लगता है यहाँ पे एक छोटा सा माइक भी दिया हुआ है, यानी कि आपकी जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो यहाँ से आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी, इससे ज़्यादा आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड होगी। उसके बाद यहाँ पे इसमें एक पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलता है, नीचे की तरफ एक स्पीकर, यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे आपका हेडफोन लगाने का जैक है। फ़ोन ऑन हो चुका है, तो ये फ़ोन रेडी है यूज़ करने के लिए। तो बिल्कुल हम यूज़ करेंगे, और आज इसके सिर्फ अनबॉक्सिंग करी है, तो आने वाले कुछ दिनों में मैं इसकी रिव्यू भी करूँगा, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे किस तरह की है। तो ये जो कैमरा मैंने लिया है स्मार्टफोन, ये M32 मॉडल जो है, ये दो कॉन्फ़िगरेशन में आता है। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपको 4GB रैम में मिलती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है 4G फ़ोन है, इसका एक 5G मॉडल भी आता है, लेकिन 5G मॉडल अगर आप लेते हैं तो इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, सो मैंने अब वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी है नए फ़ोन से। सो मैं इसका फ्रंट कैमरा जो कि 20 मेगापिक्सल का है उससे ट्राई कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो का रिज़ल्ट कैसा होगा। इससे पहले जो मैं यूज़ कर रहा था सैमसंग का ही फ़ोन था J7 Max, इससे मैंने जो पहले वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो थी, और अब ये जो नया M32 है इससे रिकॉर्डिंग हो रही है फ्रंट कैमरे से। सो आप देख सकते हैं क्या क्लैरिटी है, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कैसी क्लैरिटी इसमें आ रही होगी, क्या आपको डिटेलिंग दिख रही होगी, कलर कैसे होंगे, वो मुझे भी तब पता चलेगा जब मैं वीडियो प्रोसेस करूँगा। तो हाँ, तो मैं और बात करता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने अमेज़ॉन से ये ऑर्डर किया था, तो मैंने जैसे वेबसाइट पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, इसके अंदर मुझे 6 मंथ्स फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिली थी बिकॉज ऑफ प्राइम मेंबर। इसके अलावा इसके अंदर जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर जो है 6GB रैम, 128GB मेमोरी है, इसकी SML स्क्रीन जो है बिल्कुल बैटरी जो है कम कंज्यूम करती है, तो बैटरी जो है आपकी ज़्यादा टाइम चलती है। उसके अलावा इसके अंदर मैं देख लेता हूँ और कुछ चीज़ अगर मिस कर रहा हूँ तो, मैं जैसे इसमें 6000 mAh की बैटरी है जो कि काफ़ी अच्छा बैकअप दे सकती है। उसके अलावा इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि इसमें 4 कैमरे हैं, पीछे की तरफ जो बैक कैमरे मिलते हैं 64 मेगापिक्सल
8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। जो एक कैमरा है वो क्लोज कैप्शन के लिए है, मगर आप अगर कोई पिक्चर पास से नज़दीक से लेते हैं तो बहुत क्लियर आती है। उसके अलावा इसके अंदर एंड्रॉयड V11 अपडेट है। इसके अंदर 2 साल तक का आपको फ्री अपग्रेड मिलेगा, यानी कि अगर कोई अपडेट्स आते हैं अगले 2 साल तक एंड्रॉयड के, तो वो आपके फ़ोन में अपने आप अपडेट होंगे, आपको कोई दूसरा फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अपडेट होते हैं। साथ ही साथ इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है, मैन्युफैक्चर वारंटी, कुछ भी इशू होगा तो आप सर्विस सेंटर जाके ठीक करा सकते हैं, वो तो ऑब्वियस है। और 6 मंथ की वारंटी इसमें बैटरी की है, बैटरी की 1 साल की वारंटी नहीं है, 6 महीने की है, और चार्जर की भी। इसके अलावा जो बैटरी के बारे में लिखा है इसके अंदर, कि लिथियम आयन बैटरी है, ब्लूटूथ अवेलेबल है। इसके अंदर कनेक्टिविटी के लिए GSM 3G है, WCDMA 4G, LTE, FDD और TDD, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कनेक्टिविटी के लिए। और इसके अंदर ऑडियो जैक जो है 3.5 mm का जैक है, तो इसमें अलग अलग वेरिएंट जैक के आते हैं। अगर आपके पास ये जैक नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्टर्स मिलते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग जो है फास्ट चार्जिंग मिली है, 15 वाट का इसमें चार्जर है, जो कि एक्चुअली काफ़ी तेज़ है, काफ़ी जल्दी चार्ज कर देता है। और फ़ोन मेड इन इंडिया है, इसका वेट 196 ग्राम है, जो कि काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है। और बस आज के लिए बस इतना ही रिव्यू है इसका, तो बेसिकली रिव्यू नहीं था, अनबॉक्सिंग थी। तो अब जब मैं इसको यूज़ करूँगा थोड़े दिन, उसके बाद में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा। मैं इसके साथ कुछ पिक्चर्स लूँगा, वो भी इस वीडियो में अटैच कर दूँगा, ताकि आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी का भी आइडिया लग जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।